नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी फॉर पब्लिक सर्विसेज में स्वागत है। हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट 2023 की। जूनियर असिस्टेंट 2023 में इसकी वैकेंसी आई थी लगभग लगभग अक्टूबर नियर अबाउट आई थी वैकेंसी। उस समय जो थी लगभग 3000 के नियर अबाउट इसमें सीटें थी, और बाद में इसे बढ़ा करके लगभग 5500 कर दिया गया। तो इसका जो है अभी रिजल्ट आया, लड़कों को शॉर्टलिस्ट किया गया है मेंस एग्जाम में बैठने के लिए। अभी मेंस एग्जाम का फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है। ठीक, तो फॉर्म सबमिट होना स्टार्ट होगा, जब से स्टार्ट होगा उस दिन से लगभग 25 से 1 महीना मिनिमम टाइम मिलेगा एग्जाम। और मोस्टली एग्जाम होने की संभावना जो है अभी नहीं लगती, एग्जाम होगी 3 तो जून में हो सकती है, कम से जून के पहले होने की संभावना। तो जो लोग अभी भी तैयारी नहीं करते हैं या जो लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं एग्जाम का, एग्जाम के डेट का, तो उनसे हमारा यही अनुरोध रहेगा कि वो कृपया करके पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें, क्योंकि एक सीट लेना लगता होगा कि हाँ चलो ठीक है, छोटा सा सिलेबस है हम कर लेंगे, लेकिन एक सीट, उस एक सीट के लिए 2.5 लाख लोग कंपनी में बैठे हुए, तो उन 2.5 लाख लोगों में से आपको एक पीछे करना है अपना एक सीट बनाने के लिए। हाँ, 5500 सीट है, 5500 प्लस, इसका मतलब ये नहीं कि आप ही के लिए, 5500 प्लस जो है वो 2.5 लाख से ऊपर लड़के जो क्वालिफाई हुए उन सभी के लिए। तो हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि आप इसमें पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें, किसी अफवाहों में ना जाए। हाँ, एग्जाम जो है वो होगा, जब भी आयोग नोटिफिकेशन देगा। बाकी यूट्यूब में कोई भी ऐसा अभी कंफर्म नहीं कर सकता, ऐसा कोई भी नहीं है जो कि श्योर डेट बता सकता है कि हाँ 4 दिन बाद होगा, 10 दिन बाद होगा। जब तक नोटिफिकेशन ना आए आयोग के द्वारा, तब तक आप निश्चिंत रहें। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, आप ही को पढ़ना होगा, अपने सिलेक्शन के लिए आप ही को पढ़ना पड़ेगा, दूसरे कोई कोई आकर के आपको नहीं सिलेक्शन करवाएगा। ठीक, अच्छा दूसरे में इसमें क्या है, टाइपिंग भी है, टाइपिंग के लिए भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो टाइपिंग के लिए ज्यादा नहीं, अभी आप टाइपिंग में अगर मान लीजिए जून में एग्जाम भी होता है तो टाइपिंग होगा नवंबर तक, अक्टूबर नवंबर के बाद ही होगा, उसके पहले नहीं हो सकता। तो आप अभी तो हम अभी यही कहेंगे, आप टाइपिंग में केवल 1 घंटा भी अगर अभी से आप ध्यान देके चले ना रेगुलर बेस पे, ये नहीं कि आज टाइपिंग किए उसके बाद 10 दिन के बाद टाइपिंग, वो नहीं। अगर रेगुलर बेस पे अगर आज से भी आप 1 घंटा भी टाइपिंग करके चलते हैं, आज से नहीं कल से ही, ठीक, अगर रेगुलर बेस में 1 घंटा भी टाइपिंग करते हैं तो आराम से आप 5 महीने में टाइपिंग स्पीड बना लें अपना। ठीक है, 1 घंटा 2 घंटा एग्जाम होने के बाद आपको केवल टाइपिंग करना रहेगा। एग्जाम का पहले पेपर आपको ठीक से करना पड़ेगा, जब तक आपका पेपर ठीक नहीं होगा मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि 2.5 लाख लड़के, उसमें ऐसे ऐसे लड़के हैं जिनका 99% भी है, 99% आया, तो वो तो ऑलरेडी पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा उनको मेहनत करना है। लेकिन जो पीछे हैं जिनका 15 नंबर 20 नंबर में क्वालिफिकेशन क्वालिफाई हुए हैं, उनको लिए तो मेहनत अच्छा करना पड़ेगा। तो आप लोगों से अनुरोध यही है कि आप लोग पढ़ाई में अच्छा ध्यान दें, टाइपिंग अभी ज्यादा टाइपिंग पे ध्यान ना दें, अभी ज्यादा मोस्टली पढ़ा अपने सिलेबस पे ध्यान दें। अच्छा, सिलेबस क्या है इसका, तो इसके सिलेबस में अगर हम देखे जाए तो हिंदी, हिंदी के बाद सामान्य बुद्धि परीक्षण, हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता। अच्छा, हिंदी में जो है इंटरमीडिएट के हिसाब से इंटर लेवल के क्वेश्चन आए, ये नीचे लिखा हुआ है, अभी आगे दिखाते हैं। हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता, सामान्य बुद्धि परीक्षण, रीजनिंग। अच्छा, 30 नंबर का हिंदी, 15 नंबर का रीजनिंग, तो सबसे ज्यादा वेटेज अगर बात करें तो हिंदी का ही है, इसमें 30 मार्क्स। अच्छा, ये 30 मार्क्स ऐसे तो आएंगे नहीं, इस 30 मार्क्स के लिए मेहनत करना पड़ेगा। ठीक, 30 में देखा, ये है 30 नंबर हिंदी का। अच्छा, हिंदी के लिए अब नहीं कुछ तो अगर आदित्य पब्लिकेशन भी अगर ठीक से कर ले तो लगभग लगभग 20-25 नंबर प्लस आपको हो सकते हैं। आदित्य पब्लिकेशन एंड लूसेंट, लूसेंट हिंदी का जो लूसेंट है, इसको भी कर, इसको करके आदित्य पब्लिकेशन क्वेश्चन कर लेते हैं तो आराम से 25 क्वेश्चन प्लस चले जाएंगे। सामान्य बुद्धि परीक्षण मतलब रीजनिंग, रीजनिंग में 15 नंबर, ठीक, रीजनिंग का 15 मार्क्स।
ये थोड़ा सा रीजनिंग आपका रहेगा लेंदी, इतना इजी रीजनिंग नहीं रहेगा। तो इसके आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए केवल टेस्ट में, जो भी कर रहे हैं टेस्ट वगैरह या कहीं से कुछ कर रहे हैं, या क्वेश्चन में भी प्रोवाइड करवा दूंगा कुछ दिनों बाद। तो वो प्रैक्टिस करें और ज्यादा रीजनिंग के पीछे न पड़े, क्योंकि एग्जाम में अच्छा 2 घंटा एग्जाम में तो आप कर सकते, क्योंकि एग्जाम का टाइम जो है 120 मिनट, 1 घंटा 120 मिनट यानी कि 2 घंटा होता है। 2 घंटे में ठीक रहेगा, टाइम अच्छा है। अच्छा उसके बाद सामान्य जानकारी, जनरल नॉलेज, सामान्य जानकारी, ठीक जनरल नॉलेज की बात कर रहा है, जनरल स्टडी की नहीं। तो सामान्य जानकारी 20 मार्क्स का है। तो सामान्य जानकारी में आपको सामान्य जानकारी अपना देख लीजिएगा, मोस्टली ये करंट अफेयर से रहेगा, जो भी चीजें रहेगा। और चौथे नंबर में आता है कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान, मतलब कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी, ये हो गया। और उसमें जो भी करेंट में टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट वगैरह ये सब चल रहे हैं, वो जो भी इनिशिएटिव चल रहे हैं, डेवलपमेंट चल रहे हैं, कोई कोई ऐप बन रहा है, कोई सैटेलाइट वगैरह, जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड, वो इसमें पूछा जा सकता है। ये 15 मार्क्स का, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। और थर्ड नंबर में, अगर फिफ्थ नंबर में बात करें, तो उत्तर प्रदेश जो कि सबसे मोस्ट क्या बोला जाता है, उत्तर प्रदेश, लोग कोई भी उत्तर प्रदेश का आयोग जो भी एग्जाम लेता है, यूपी ट्रिपल एससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, यूपीपीएससी में थोड़ा कम क्वेश्चन पूछता है, लेकिन यूपी ट्रिपल एससी में यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन रहता है। अगर यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम देना है तो यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन तो करना पड़ेगा। ये इसमें लिख लेते हैं 20 क्वेश्चन पूछेगा, तो 20 क्वेश्चन वो पूछेगा। अच्छा इसमें अगर आप सिलेबस का बात करें तो हिंदी तो आप जैसे देख लें, अच्छा निगेटिव मार्किंग भी है इसमें क्या, 1/5, 1/4, मतलब कि 25% आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे एक क्वेश्चन गलत करने पर काटे जाएंगे, छोड़ने पर नहीं काटे जाएंगे। ठीक, हिंदी प्रज्ञान और लेखन योग्यता, हिंदी प्रज्ञान और लेखन योग्यता का बात करें तो इसमें जो है इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट परीक्षा के स्तर पर पूछे जाएंगे, वो पता है इंटरमीडिएट परीक्षा के स्तर में आराम से एग्जाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने बताया हिंदी के लिए आपको लुसेंट एंड प्लस आदित्य योगी, आदित्य पब्लिकेशन का जो भी हिंदी है उसको आप कीजिए, बाकी मैं भी कोशिश करूंगा कुछ चीज प्रोवाइड करवाने की। देखते हैं अभी एग्जाम में। अच्छा नेक्स्ट क्या है, सामान्य बुद्धि परीक्षण, रीजनिंग। सामान्य बुद्धि परीक्षण, इस परीक्षा का उद्देश्य क्या है, रीजनिंग का, बस केवल आपको वो करने के लिए कि आपका जो है योग्य तर्क की क्षमता है कि नहीं, सोचने की नहीं, मतलब कि रीजनिंग, क्योंकि अब इसमें देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहे, लॉजिकल क्वेश्चन रहे, लॉजिकल क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन चार चार लाइन, उसमें से आपको कौन सा चुनना है, ये सही है ये गलत है, ये आप ले सकते हैं डिसीजन मेकिंग टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ठीक, तो रीजनिंग इतना इजी नहीं रहेगा जितना लोग ये SSC वगैरह में आता है, पहले आता था अब नहीं आता। ठीक, इसके बाद फिर हम बात करें, अब हम सामान्य जानकारी के बारे में बात करेंगे। सामान्य जानकारी, सामान्य जानकारी में क्या है, उम्मीदवार को चारों ओर के वातावरण बारे में उसकी सामान्य जानकारी तथा समाज में उसके इस्तेमाल के बारे में उसकी योग्यता के आंकने के लिए, मतलब क्या समझा, जो भी आपके अगल बगल चल रहा है, आपका जो भी चीजें हैं, आपके नियर अबाउट, तो सबका जांचने के लिए, और जो भी घटनाएं डेली का, जैसे ऐतिहासिक हो गया, भौगोलिक हो गया, सम्मिलित रूप से। तो क्या बोलना सामान्य जानकारी में, इस परीक्षण में ऐसे प्रश्न भी रखे जाएंगे जिनसे ऐसी समसामयिक घटनाओं तथा प्रतिदिन दृष्टिगोचर होने का अनुभव में आने वाले तथ्यों, जैसे कि ऐतिहासिक एवं भौगोलिक, मतलब करंट से रिलेट करके जो भी ऐतिहासिक घटना भौगोलिक घटना उसको भी सम्मिलित हो सकते हैं। तो मोस्टली आपको फोकस जो है इसमें करंट अफेयर में, और करंट अफेयर लगभग लगभग 1 ईयर, 1 ईयर का करंट अफेयर आपको लेके चलना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी इसमें, वैज्ञानिक पहलुओं का ज्ञान भी इसमें देखा जाएगा, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है तो उसके बारे में भी आपको देखना पड़ेगा। अच्छा चौथे में आता है कंप्यूटर, कंप्यूटर में आपको क्या क्या चीज मिलता है इसमें, कंप्यूटर एवं
की अवधारणा इस क्षेत्र में जो भी है आईटी टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट में इस पर में दीवार से हम तो इसमें अगर आप देखें ये सिलेबस वही है जो विलेज पंचायत ऑफिसर का ग्राम पंचायत ऑफिसर का कंप्यूटर में आईटी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया ठीक उसका इंट्रोडक्शन वगैरह उसके बाद हार्डवेयर हो गया सॉफ्टवेयर हो गया उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत बड़े हो गए ठीक ईमेल हो गया सोशल नेटवर्किंग हो गया ई गवर्नेंस की जानकारी हो गई ई गवर्नेंस जानकारी इसमें देखना पड़ेगा डिजिटल वित्तीय उपकरण एवं प्रयोग इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब का परिचय भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा का अवलोकन वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी ये फिर से यहाँ पर कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करती है तकनीकी विकास और नवाचार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिग डेटा प्रोसेसिंग डीप लर्निंग ठीक मशीन लर्निंग इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर एवं इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे भारत ने क्या क्या चीज डेवलप किया चैटबॉट क्या है कौन सा कंप्यूटर अभी चल रहा है ठीक माइक्रो एक प्रोसेसर इंडिया में बना था और शायद आईआईटी चेन्नई में बनाया था उसी हिसाब से उसमें वो क्वेश्चन आया हुआ था ठीक उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित जानकारी अब उत्तर प्रदेश की अगर जानकारी की बात करें उसमें क्या क्या चीज आपको मिल जाएगा देखिए इस भाग में उम्मीदवार से उत्तर प्रदेश का विशिष्ट ज्ञान इतिहास संस्कृति कला वास्तुकला त्योहार लोक नृत्य साहित्य क्षेत्रीय भाषाएं विरासत सामाजिक रीति रिवाज और पर्यटन मतलब उत्तर प्रदेश के इर्द गिर्द सोच रहे देखिए आर्ट एंड कल्चर बहुत इम्पोर्टेंट है उसके बिना पेपर नहीं बन सकता ठीक आर्ट एंड कल्चर मतलब कि क्या बोले संस्कृति कला वास्तुकला त्योहार लोक नृत्य साहित्य क्षेत्रीय भाषा रीजन लैंग्वेज भी पूछा जाएगा ब्रज भाषा कहाँ का है बताइए तो कमेंट में सामाजिक रीति रिवाज जो भी चल रहा है पर्यटन हो गया भौगोलिक दृश्य परिदृश्य एवं पर्यावरण ठीक उत्तर प्रदेश का जो भी ये क्या बोलते हैं रिसोर्सेस मिनरल कौन सा कहाँ पाया जाता है जैसे ललित भूमि कापर हो गया यूरेनियम हो गया जलवायु मिट्टी वन वन्य जीव कौन सा वन विहार कहाँ पर है क्या है खान खनिज कौन सा खनिज कहाँ कहाँ मिलता है ठीक अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक बहुत अच्छा इसमें से क्वेश्चन रहेगा तीन चार क्वेश्चन रहेगा उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि मिला करके सर 20 क्वेश्चन का टोटल इसमें से आना है ठीक व्यवसाय और रोजगार जो भी है राज्य व्यवस्था ये सभी चीज एक बार इसको पढ़ लीजिएगा तो कुल मिला जुला ये है कि अगर ध्यान से पढ़ा जाए अगर डेली के डेली 2 से 3 घंटे भी ध्यान दिया जाए तो ये सिलेबस कंप्लीट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस सिलेबस कंप्लीट करने में 2 महीने 2 महीने से मतलब 60 से 80 दिन कुछ लोग जल्दी भी कर सकते हैं कुछ लोग थोड़ा टाइम भी लगेगा लेकिन अब यह है कि जिसको टाइम लगता है 3 घंटा 4 घंटा पढ़ाई ठीक सिलेबस इतना बहुत बड़ा वास्ट नहीं है हाँ प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्वेश्चन क्योंकि अगर सिलेक्शन लेना है तो नंबर लाना पड़ेगा और नंबर आप ही को लाना पड़ेगा कोई दूसरा को नहीं लाएगा अब आप सोच लीजिए आपको इंतजार करना है यहाँ पर या अगले पेपर का इंतजार करना है या इसी पेपर को निकाल देना है क्योंकि सिलेक्शन इस बार अगर आपका निकल गया तो ठीक अगले बार आपका भी इलेक्शन होगा तो कब वैकेंसी आएगी इस बात का भी ध्यान देना है फिर वैकेंसी वो से अपना पॉलिटिकल मुद्दा है उसका हमको क्वेश्चन नहीं लेना देना लेकिन हाँ जो भी चीजें हैं क्योंकि वैकेंसी तभी आती है मोस्टली हमारे देश में जब इलेक्शन का समय आता है पुराना रीति रिवाज चलते हुए आ रहा है नई बात नहीं ठीक तो बस हमारे कहने का मतलब यही है कि लोग तो पढ़ाई में ध्यान दें मौका मिला है मौका हाथ से ना जाने दें क्योंकि दूसरा हर एक जो उसको भी ये चाहिए जिसको भी जरूरत है वो अपना दिन रात मेहनत कर रहा है एक नंबर के लिए भी वो कंप्रोमाइज नहीं कर सकता तो जिसको भी अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको भी उसी हिसाब से सोचना पड़ेगा चलिए ठीक है धन्यवाद अगर आप लोगों ने टाइम दिया था एक बार मैं कहना चाहूँगा अगर आपको चैनल ठीक लग रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब कर लें हमको भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलेगा मैं भी थोड़ा उनको भी थोड़ा उम्मीद लगे कि हाँ लोगों को अच्छा लग रहा है या जो भी है ठीक है धन्यवाद ओके बाय फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।